चलिए बात करेंगे कासगंज की। यूपी के कासगंज से कल जो तस्वीरें सामने आई वो सवालों के घेरे में हैं। इस कांड में यूपी पुलिस के एक सिपाही देवेंद्र शहीद हो गए। देवेंद्र दरोगा अशोक के साथ शराब माफिया के खिलाफ एक्शन लेने के लिए पहुंचे थे। देवेंद्र के गांव में इस वक्त मातम का माहौल है और पिता को अपने बेटे की शहादत पर गर्व है। शहादत पर रोया नहीं जाता बल्कि फख्र किया जाता है। बड़ा मुश्किल होता है खुद को संभालना जब कोई अपना बहुत दूर चला जाता है। चीख पुकार ऐसी है कि कलेजा चीर दे। मातम ऐसा है कि सुनने वाला कांप उठे। बेटी के बारे में पिता से पूछो तो बोलते बोलते गला भर आता है। क्या बताया था, क्या घटना हुई? क्या घटना बताई थी भैया? वो ना मालूम है कैसे क्या घटना हुई है, वो ना मालूम भैया जाते वो बताए लो। और पापा कर आंखों में आंसुओं का सैलाब उमड़ आता है। हौसला देने महकमे के आला अधिकारी घर पहुंचते हैं, समझाते हैं, ढांढस बंधाते हैं, लेकिन जिस पिता का जवान बेटा चला गया हो उसे धीरज कहां आता है? नाऊ बाऊ को नाऊ चले पायो बेटा। वो डीएम को लिपट जाता है और फूट फूट कर आंसुओं के जरिए अपनी आप बीती बताता है। कासगंज कांड में शहीद हुए सिपाही देवेंद्र के परिवार में शोक और मातम का माहौल है। परिवार वालों का जोरों का बुरा हाल है तो पिता का दर्द इतना है कि कोई दूसरा शायद ही समझ सके।